अस्सलाम वालेकुम। इसमें एलिमेंट्री एब्डोमिनल कैविटी को हम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। ट्रांसवर्स मीजो कोलोन या ट्रांसवर्स कोलोन डिवाइड कर रही होती है, ऊपर वाला पोर्शन आ जाता है जिसे सुप्राकॉलिक पोर्शन कहते हैं, और एक नीचे वाला पोर्शन आ जाता है जिसे इंफ्राकॉलिक पोर्शन कह रहे होते हैं। अब जो सुप्राकॉलिक है उसके सारी जो पार्ट स्पेस एब्डोमिनल कैविटी की, वो पार्ट ऑफ कैविटी जिसे सुप्राकॉलिक कह रहे हैं, उसको फर्दर लिवर डिवाइड करता है सब फ्रैनिक और सब हेपेटिक स्पेसेस के अंदर, जो दोनों इंट्रा पेरिटोनियल होती हैं। इसके अलावा इसकी कुछ डिवीजंस होती हैं जो कि एक्स्ट्रा पेरिटोनियल होती हैं, जिसके अंदर राइट एक्स्ट्रा पेरिटोनियल, लेफ्ट एक्स्ट्रा पेरिटोनियल और मिडल एक्स्ट्रा पेरिटोनियल स्पेस आ जाती है। पहले हम इंट्रा पेरिटोनियल को देख लेते हैं कि सब कि सुप्राकॉलिक कंपार्टमेंट को इंट्रा पेरिटोनियल स्पेसेस के अंदर डिवाइड किया लिवर ने, जिसके अंदर दो स्पेसेस आ जाती हैं मेजर, फर्दर फिर उनके सब डिवीजंस हैं। एक जो है सब फ्रैनिक स्पेस आ जाती है जो कि इंटीरियर साइड पर प्रेजेंट होती है, और एक फिर सब हेपेटिक स्पेस आ जाती है जो कि पोस्टीरियर साइड पर प्रेजेंट होती है। ये फर्दर फिर और आगे डिवाइडेड होती है कि सबफ्रेनिक स्पेस भी लेफ्ट एंड राइट सबफ्रेनिक स्पेस होती है, और जो सबहेपेटिक स्पेस होती है वो भी लेफ्ट और राइट सबहेपेटिक स्पेस होते हैं। साथ ही इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस की भी बात करते चलें, तो जो लेफ्ट सबफ्रेनिक स्पेस होती है, सबफ्रेनिक स्पेस क्योंकि इंटीरियर लिए है तो हम इसे लेफ्ट इंटीरियर सुप्राकॉलिक कंपार्टमेंट भी कह सकते हैं। जो लेफ्ट सबफ्रेनिक स्पेस होती है ये लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर और डायफ्राम के दरमियान प्रेजेंट है, और इसके अंदर अगर तो स्प्लीन, स्टमक, स्प्लीनिक फ्लेक्चर या पेंक्रियाज की जो टेल, यहाँ पर अगर कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ है तो उसकी वजह से कोई एब्सेस फॉर्मेशन होनी है तो वो इसके अंदर होती है लेफ्ट सबफ्रेनिक स्पेस के अंदर, ड्यू टू स्प्लीन, स्टमक, स्प्लीनिक फ्लेक्चर ऑफ द कोलोन एंड पेंक्रियाज की टेल। ठीक है, फिर आते हैं राइट सबफ्रेनिक स्पेस की तरफ। राइट जो होती है वो राइट लोब ऑफ लिवर और डायफ्राम के दरमियान प्रेजेंट होती है, जस्ट उसी तरह जिस तरह ये लेफ्ट लोब और डायफ्राम के दरमियान प्रेजेंट थी। अब इसके अंदर एब्सेस, इसके अंदर तब इन्फेक्शन स्प्रेड होता है जब ऑपरेशन वगैरह हुआ हो, इधर गॉल ब्लैडर का, अपेंडिक्स का, या फिर अपर एब्डोमेन की किसी पोर्शन का या ऑर्गन का। ठीक है, फर्दर फिर सब हेपेटिक स्पेसेस की तरफ चलते हैं, तो सब हेपेटिक स्पेस जो होती है लेफ्ट वाली वो लेसर सैक ही होती है, लेकिन जो राइट वाली होती है उसे फिर हम कह रहे होते हैं हीपेटोरिनल पाउच ऑफ मोरिसन, फिर उसको हम बाद में देखते हैं। फिर उसके बाद एक्स्ट्रा पेरिटोनियल की हम बात करें, तो एक्स्ट्रा पेरिटोनियल जो स्पेसेस होती हैं यहाँ पर किडनीज प्रेजेंट होंगी, तो जो राइट एक्स्ट्रा पेरिटोनियल स्पेस होती है वो राइट किडनी के अपर पोल के करीब होती है। ठीक है, अगर यहाँ किडनी प्रेजेंट है तो राइट किडनी के अपर पोल के करीब वो स्पेस होती है, और इस तरह जो लेफ्ट होती है वो लेफ्ट किडनी और लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड के करीब होती है। ठीक है, और लेफ्ट पेरीनेफ्रिक एब्सेस जो होती है वो लेफ्ट एक्स्ट्रा पेरिटोनियल स्पेस के अंदर हो रही होती है। मिडल जो होती है बिटवीन द बेयर एरिया एंड द डायफ्राम प्रेजेंट होती है, बेयर एरिया ऑफ द लिवर एंड डायफ्राम, और यहाँ पर जो मिडल एक्स्ट्रा पेरिटोनियल स्पेस होती है लिवर की एब्सेसेस वगैरह, इन्फेक्शन जो लिवर वगैरह से आ रहे होते हैं वो मिडल एक्स्ट्रा पेरिटोनियल स्पेस के अंदर एक्यूमुलेट कर रहे होते हैं। फिर चलते हैं इंफ्राकॉलिक की तरफ। इंफ्राकॉलिक के अंदर ये होता है कि मेसेंट्री जो होती है इंफ्राकॉलिक कंपार्टमेंट को डिवाइड करती है राइट और लेफ्ट इंफ्राकॉलिक कंपार्टमेंट के अंदर। जो राइट इंफ्राकॉलिक कंपार्टमेंट होता है वो ट्रायंगुलर होता है और वो असेंडिंग कोलोन और मेसेंट्री के दरमियान होता है, और जो लेफ्ट इंफ्राकॉलिक कंपार्टमेंट होता है वो डिसेंडिंग कोलोन और मेसेंट्री के दरमियान होता है, और ये पेल्विस के अंदर ओपन हो रहा होता है। उसके बाद बात आ जाती है पैराकॉलिक गटर्स की। पैराकॉलिक गटर राइट लेटरल पैराकॉलिक गटर और लेफ्ट लेटरल पैराकॉलिक गटर आ जाते हैं। जो राइट वाला होता है वो हेपेटोरिनल पाउच के अंदर ओपन हो रहा होता है, लेकिन जो लेफ्ट वाला होता है वो पेल्विस के अंदर ओपन हो रहा होता है। पैराकॉलिक गटर है राइट पैराकॉलिक गटर, इसके अंदर इन्फेक्शन जो स्प्रेड होना है वो डिफरेंट तरीकों से स्प्रेड हो सकती है। एक तो ये है कि डाउनवर्ड स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन हो जाए, दूसरा ये है कि ईधर लेसर सैक से या ईधर जो हेपेटोरिनल पाउच ऑफ मोरिसन या पाउच ऑफ मोरिसन या हेपेटोरिनल पाउच है वहाँ पर से इन्फेक्शन आ जाए, या फिर अपेंडिक्स का इन्फेक्शन ऊपर की तरफ स्प्रेड कर जाए। तो लेफ्ट पैराकॉलिक गटर के जो इन्फेक्शन होते हैं वो डिफरेंट जगहों से आ सकते हैं, जिसमें सबसे पहले सुप्राकॉलिक कंपार्टमेंट होता है कि वहाँ पर से इन्फेक्शन आ जाएगा लेफ्ट पैराकॉलिक गटर के अंदर, या फिर पेल्विस का इन्फेक्शन है जो कि अपर स्प्रेड करके इसकी तरफ आ जाएगा। तो बात करते हैं हेपेटोरिनल पाउच की, इन्होंने हाईलाइट किया है। बाउंड्रीज की बात करें तो इंटीरियर बाउंड्री के इन्फीरियर सर्फेस ऑफ द राइट लोब ऑफ द लिवर और गॉल ब्लैडर बना रहे होते हैं। ठीक है, जो गॉल ब्लैडर बना रहे होते हैं, और जो पोस्टीरियर बाउंड्री होती है यहाँ पर किडनी प्रेजेंट होगी और उसके ऊपर सुप्रारीनल ग्लैंड होगा। ठीक है, पोस्टीरियर बाउंड्री सुप्रारीनल ग्लैंड बना रहा है, राइट वाला राइट किडनी बना रही है, यहाँ पर सेकंड पार्ट ऑफ डिडम बना रहा है, हेपेटिक फ्लेक्चर यहाँ पर ये कोलोन का हेपेटिक फ्लेक्चर प्रेजेंट है ये बना रहा है, ये ट्रांसवर्स मीजो कोलोन प्रेजेंट है ये बना रही है, और इसके अलावा हेड ऑफ पैंक्रियाज यहाँ पर प्रेजेंट होगा। सुपीरियर बाउंड्री इसकी बिल्कुल यहाँ पर, इसके बिल्कुल सुपीरियर कोरोनर, जब लिवर ऊपर इसके पड़ा होगा तो इसकी जो सुपीरियर बाउंड्री है वो इन्फीरियर लेयर ऑफ द कोरोनरी लिगामेंट बना रही होती है, और इसकी इन्फीरियर बाउंड्री जो होती है वो जनरल पेरिटोनियल कैविटी बना रही होती है। इसके लेफ्ट साइड की बात करें तो ये मेंटल बर्सा के साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है, राइट साइड की बात करें तो इट इज़ लिमिटेड बाय द डायफ्राम, इस तरह करके डायफ्राम प्रेजेंट होता है तो इट इज़ लिमिटेड बाय द डायफ्राम। फर्दर अब अगर हम इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये मोस्ट डिपेंडेबल स्पेस होती है एब्डोमिनल कैविटी की, यानी फ्लूड वगैरह ने एक्यूमुलेट होना होता है तो यहाँ पर एक्यूमुलेट होते हैं जो बॉडी सुपाइन पोजीशन में पड़ी हुई है। ठीक है, इसके अलावा सबफ्रेनिक एब्सेस के प्रेजेंस की भी कॉमन साइड यही है,
गॉल ब्लैडर या अपेंडिक्स वगैरह इंफेक्ट हुए हैं तो हों तो हेपेटोरिनल पाउच के अंदर इन्फेक्शन का फ्लूइड वगैरह एक्युमुलेट कर सकता है, और अगर पेशेंट स्लाइटली इंक्लाइंड हो तो ये फ्लूइड यहीं पर से रेक्टो यूट्राइन पाउच के अंदर चला जाता है। अब हम रेक्टो यूट्राइन पाउच की बात कर लेते हैं। अब जहाँ पर फीमेल्स के अंदर रेक्टो यूट्राइन पाउच होता है वहीं पर मेल्स के अंदर रेक्टो वेसाइकल पाउच होता है, इसे पाउच ऑफ डोगलास भी कहते हैं, और ये मोस्ट डिपेंडेबल पार्ट होता है पेरिटोनियल कैविटी का अगर तो बंदा अपराइट पोजीशन में है, और मोस्ट डिपेंडेबल पार्ट होता है पेल्विक कैविटी का अगर पर्सन सुपाइन पोजीशन में है। इसकी बाउंड्रीज की भी अगर हम बात कर लें तो इंटीरियरली इसके हम देख सकते हैं यूट्रस प्रेजेंट है, यूट्रस है, और साथ ही साथ वेजाइना का पोस्टीरियर फॉर्निक्स है, ये पोस्टीरियर फॉर्निक्स होता है वेजाइना। इंटीरियर बाउंड्रीज आर क्लियर पोस्टीरियरली, ये देखते हैं हम तो ये रेक्टम है, ठीक है। और अगर फ्लोर के इंफीरियर की बात करें तो हमारे पास जो रेक्टो वेजाइनल फोल्ड ऑफ पेराटोनियम होता है, ये है रेक्टो वेजाइनल फोल्ड ऑफ पेराटोनियम जो कि इसको इंफीरियरली बाउंड कर रहा है, ठीक है। और इसका जो फ्लोर होता है वो हम फील भी कर सकते हैं बाय इंसर्टिंग अ फिंगर इन द रेक्टम ऑफ पेशेंट।